जो आजादी की लड़ाई है, आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने अपनी शहादत दी, जो लोग कुर्बान हो गए, तो यानी वो एक एक महापुरुष से प्रेरणा लेना कि तिलक का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, कब वो सत्याग्रह किया, इतना जानना तो आवश्यक है। लेकिन तिलक से लेकर, गांधी से लेकर, सुभाष चंद्र बोस से लेकर जो भी महापुरुष हुए, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर और अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करना, ये अगर नहीं होता है तो केवल सूचनाओं से देश का या व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है। बच्चों, हम लोग जब यहाँ एकत्र हैं तो हम सबों को मालूम है कि 1947 की 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ और 400 वर्षों की गुलामी के बाद देश आज़ाद हुआ। लगभग 200 वर्ष अंग्रेज की गुलामी थी और लगभग 200 साल मुगलों की गुलामी थी, यानी 400 वर्षों की गुलामी के बाद देश को आज़ाद होना बहुत बड़े संघर्ष का परिणाम था। पर हम गुलाम क्यों हो गए? आपसी झगड़े के कारण। अगर हम एकजुट रहते तो हमको कोई गुलाम नहीं बना सकता। भी अंग्रेज कितने थे, जब 47 में जो भारत छोड़कर गए अंग्रेज, तो अभी कुछ 50,000-25,000, मुझे पता नहीं, 1,00,000 से तो कम ही रहे होंगे। और जब लोग आए ईस्ट इंडिया कंपनी, तो मुट्ठी भर लोग थे। तो आखिर व्यापार करने वाली एक विदेशी कंपनी आकर भारत पर राज करने लग जाए और हमको गुलाम बना कर रखे 200 साल तक, तो अगर इसके भीतर नहीं जाकर समझने का प्रयास करेंगे तो फिर हम गुलाम हो सकते हैं। और गुलामी का सबसे बड़ा कारण था कि हम एक नहीं थे, हम बटे हुए थे आपस में, इसलिए अंग्रेज ने हमको विभाजित करके हमारे ऊपर वो राज करते रहे।